इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं हो सकती कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव न दिल्ली वालों के लिए है न श्रीनगर वालों के लिए, ये उनके लिए है जो वोट डाले हैं। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान, जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे। कहीं कोई नौजवान अपने बुजुर्ग वालदेन को कंधे पर उठाए हुए है तो कहीं चारपाई पर, कहीं मजदूर अफराद कदम लड़खड़ाते आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ख्वातीन अपने तमाम तार घरेलू काम काज छोड़कर लाइनों में खड़ी नजर आती हैं। जोश व खरोश के ये गैर मामूली नज़ारे जमहूरियत का जश्न था जो हमने हाल ही में पंचायती चुनाव के दौरान देखा। पंचायतों को मजीद अख्तियारात देने के साथ रियासत जम्मू व कश्मीर में नौ मरहलों में हुए पंचायती इलेक्शन के दौरान लोगों ने उम्मीद से भी बढ़कर हिस्सा लिया और रियासत में पोलिंग 74% से भी ज़्यादा रही, जो न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए हौसला अफजा है बल्कि लोगों का बुनियादी सतह के इदारों पर भरोसे का सबूत भी। कई लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं वोट डालने, लेकिन इतना बड़ा फासला उम्र का तकाजा है, लेकिन इस सब के बाद लोगों के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक एक एंथुसियाज्म है, एक ज़ील है, वो खत्म नहीं होता। इन इंतखाबात के जरिए रियासत की 4483 पंचायतों के लिए सरपंच और 35,029 पंच चुने गए। अब इन नुमाइंदगान पर बारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इकदाम करें और अवामी शराकत को यकीनी बनाते हुए ऐसे असासे तामीर किए जाएं जो मजमू मफाद के हामिल हों। ये आपका एम्पावरमेंट है, आपको फंड्स मिलेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा। और जिस तरह से पोल 100-100 साल का आदमी वोट डालने आया कि गांव के लोग खड़े हो गए और वो अपने डेवलपमेंट का हिस्सा चाहते हैं, बड़े पैमाने पे पर्चे दाखिल किए गए, इसमें से एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी जो देहात की होगी। जो भी डेवलपमेंटल फंड्स हैं, बाकी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट जो हमारे लिए गरीब लोगों के लिए करती है, वो उस चीज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। 6 मार्च 1995 को मेरी टांग कट गई थी, मैन बलास्टी अपने आईटी थी। आज मैं बड़ी परेशानी से अभी आया हूँ वोट देने के लिए। वोट की कीमत मैं ला नहीं कर सकता क्योंकि मैं वोट डालने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा हूँ। पंचायती इलेक्शन में जहां आवाम की भारी शिरकत रही, वहीं इस दौरान भाईचारे का भी भरपूर मुजाहरा किया गया जो रियासत की असल पहचान भी है। इस भाईचारे की जीती जागती मिसाल बदरवा का 450 की आबादी वाला गांव बेलन है, जहां की हिंदू बरादरी ने गांव के अकेले मुस्लिम घर के सरबराह चौधरी मोहम्मद हुसैन को बिला मुकाबला अपना पंच चुन लिया। पंचायत इंतखाबात की एक और ख़ास बात इसमें एजुकेटेड यूथ का शिरकत करना है और रियासत भर में कई ऐसी पंचायतें हैं जहां से हाईली एजुकेटेड यहां तक के डॉक्टरेट की डिग्री करने वाले नौजवानों ने भी कामयाबी हासिल की। सब युवा पीढ़ी से ये निवेदन करती हूं कि वो अपना वोट आके दें और इस गांव की तरक्की में अपना योगदान दें। रियासत जम्मू व कश्मीर में पुरअमन और कामयाब पंचायती इलेक्शन इज़्ज़तमआब गवर्नर सत्यपाल मलिक और उनकी इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से इसमें कामयाबी हासिल हुई ये काबिलियत है। इलेक्शन की कामयाबी गवर्नर साहब, उनके एडवाइजर्स, रियासती चीफ सेक्रेटरी, रियासती इलेक्शन कमीशन, होम डिपार्टमेंट और महकमा दही तरक्की व पंचायती राज के अफसरान के दरमियान बेहतरीन तालमेल और मेहनत का नतीजा है और यकीनन इसका फायदा आइंदा 5 साल तक के लिए लोगों को मिलेगा जहां वो अपने गांव देहात की तरक्की के काम और उनकी मनसूबाबंदी खुद कर सकेंगे। ये बात काबिले जिक्र है कि इलेक्शन से पहले ही रियासती हुकूमत की तरफ से पंचायत राज इदारों को वो तमाम तर अख्तियारात दिए गए जिसकी मांग बरसों से की जा रही थी। अब पंचायती नुमाइंदगान न सिर्फ मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की देख रेख करेंगे बल्कि हेल्थ व फैमिली वेलफेयर कमेटियों की क्यादत भी उन्हीं के हाथ में होगी और पंचायतें ही सोशल ऑडिट भी करेंगी, साथ ही पंचायतों के जरिए बेनिफिशरीज की निशानदेही भी की जाएगी। बहुत
अच्छा लगा वोट दे के। वोट इसलिए देते कि मतलब पंचायत एक अच्छे मेंबर को मतलब चूज करके जो डेवलपमेंट कर सके। चूंकि इन इख्तियारात के बारे में अवाम को बेदार किया जाना लाजमी था, लिहाजा महकमा देही तरक्की व पंचायती राज की सेक्रेटरी की क्यादत में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई। भाई आप परेशान क्यों हो? क्या बताऊं? खेत में पानी लेने के लिए नाले नहीं है, चलने के लिए रास्ते नहीं है और मोहल्ले में कोई काम भी नहीं हो रहा। अरे भाई परेशान होने की कोई बात नहीं, कल पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें हिस्सा लेकर सड़कें, नाले और गाँव के बाकी काम भी हम खुद कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो मैं कल ही अपना वोट देने जाऊँगा। जी हाँ, आपका वोट ही आपकी ताकत है। हुकूमत का पंचायतों को अख्तियार देने का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब चुने गए सरपंच और पंच अपने फराइज फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अंजाम देंगे। हुकूमत आइंदा भी पंचायत राज इदारों की कामयाबी के लिए कमिटेड है ताकि मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के तहत हर एक पंचायत को दिए जा रहे लाखों रुपये का जायज इस्तेमाल हो सके और गाँव देहात में वो सभी सहूलतें मिल सकें जो शहरी इलाकों में होती हैं। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट।